पे खड़े रहते हैं ना, सुबह शाम यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। चीज महंगी है, जो चीज आपकी सब्जी मंडी में 20 रुपए में मिलती है ना, यहाँ पे आते आते 80 रुपए हो जाती है। जो चावल बाकी आप नॉर्मल मार्केट से खरीदते हो ना 40 रुपए 50 रुपए के जी, यहाँ आते आते 110-120 हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट है। आज हमारा पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, कहाँ है हमारे पीएम, कहाँ है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, कहाँ है? चलो नीट का पेपर में तो जो करा करा, एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है? हमारे एमसीडी वाले कहाँ है? हमारे एमसीडी वाले कहाँ है? हमारे वो नेता कहाँ है जो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट करते थे, कहाँ है? क्यों अभी तक हमें कुछ भी नया नहीं मिला? हम यहाँ पे परसों रात से यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि हमें बस जस्टिस दे दो। प्लस अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन को। आप देख रहे हैं VR News, एक नजर सच्चाई की ओर। हम स्टूडेंट यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी जो साथी जो थी, जो श्रेया यादव थी, शी वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी आकर के अपना वोट बैंक सेक रही है, मतलब क्या 2029 लोकसभा के लिए अभी से प्रिपेयर हो रही है बीजेपी, या फिर कांग्रेस बोलो या फिर आप बोलो। हाँ, ये देखो ना, ये जो आ रखे हैं आपको नहीं दिख रहा यहाँ पे भीड़, सुबह से यहाँ पे आकर के पॉलिटिक्स कर रहे हो आप स्टूडेंट की डेथ पे। आपके घर पे भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन आज ये बात प्रूफ हो गया कि पॉलिटिशियंस को बोलते हैं ना कि पॉलिटिशियंस को जान की परवाह नहीं होती है, सेम वही चीज़ हो गया। आज वो 25 साल उसके पेरेंट्स ने उसको फीड करा, ठीक है, उस वो बच्ची मेंस लिखने वाली थी, ठीक है। आज जो उसके साथ हुआ उस पर भी आप रोटी सेक रहे हो, सिर्फ वोट के लिए। वोट के लिए आप कितना गिर सकते हो? इसके अंदर जो कल हादसा हुआ है, परसों हादसा हुआ है, हादसे के अंदर 3 बच्चे की मौत हुई है, अभी तक जानकारी मिल रही है। 3 बच्चे इज द ओनली फॉर जो गोदी मीडिया दिखाती है, सॉरी टू से बट मीडिया जो बिक चुकी है ना, चार जो भी वो दिखा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता, बिकॉज कि 35 स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए थे। 35 स्टूडेंट्स में ये बोला जा रहा है कि मतलब कि लाइक आपका 18 या 17 स्टूडेंट्स बाहर आ पाए, बाकी बच्चे 17 ही बाहर आ पाए हैं, ऐसे जो बोला जा रहा है। मुझे भी पूरा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं भी परेशान हूँ, मैं भी थोड़ी सी डरी हुई हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर थे इसके अंदर। श्रेया यादव, शी वॉज माई फ्रेंड, तैयारी करती थी वो, आप भी तैयारी करती हैं? मैं भी तैयारी कर रही हूँ। यही कर रही थी या बाहर करती? नहीं, मैं तो दूसरे कोचिंग में पढ़ती हूँ, बट श्रेया यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। आज उसके पेरेंट्स पे जो बिक रहा है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10-10 लाख में बच्चों की मतलब कि ये कर दिया गया है कि 10-10 लाख में यूपीएससी पेरेंट्स की लाशों को बेच दिया गया है। उनके पेरेंट्स को ऑफर आता है कि हम आपको मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये दे देंगे। 10 लाख में अगर आप एक यूपीएससी पेरेंट्स की लाश को खरीद रहे हो, आप देखो ना 4-4 लाख रुपीस तक हमारे खर्चे हो जाते हैं प्रिपरेशन पे, ठीक है। और सेफ्टी के नाम पे आप क्या देते हो? 0 देते हो, कुछ भी नहीं देते हो सेफ्टी के नाम पे। बेसमेंट की आप लाइब्रेरी दे रहे हो, बेसमेंट कोई रहने की जगह है? मतलब कि एक है कि आप एक फ्लोर बनवा देते हो, उस पर आप लाइब्रेरी बनवा देते। यहाँ पे इतने इलीगल तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, सांस नहीं आती है, लाइट कट जाए तो फिर बिना एसी के तो बच्चे की दम दम घुट के मौत हो जाएगी। तो इस सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार है? किसे मानते हैं? सिस्टम के लिए सब जिम्मेदार है, ऊपर से लेकर के नीचे तक में, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, ठीक है ना। स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पे इतना होता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, हमें आईएएस बनना है, ठीक है। पेरेंट्स कैसे दे रहे हैं वो स्टूडेंट और पेरेंट्स ही जानते हैं, बट यहाँ पे एक बिजनेस बन के रह गया है कि भाई हर चीज के लिए पैसे पैसे पैसे। यहाँ पे 10-10 फुट के जो कमरे है ना, उसके हम 25-25 हज़ार रुपए देते हैं। 10 फुट कमरे के होते हैं ना, 10x10 के कमरे के हम यहाँ पे 25-25 हज़ार रुपए देते हैं। ये रहने लायक जगह आप अंदर जा करके देखो ना, कभी कहाँ वायर झूल रही है, रोड्स इतने गंदे हैं, कंजेस्टेड गलियां हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी उनके डायरेक्टर हैं, चाहे एमडी जो भी है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो भी जिम्मेदार है। ऑब्वियसली जिम्मेदार है ना। क्या आपने पता है कि ये कंजेस्टेड प्लेस है, ठीक है। नोएडा, गाजियाबाद प्लेसेस फ्री फ्री है, आप वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट को क्यों एस्टेब्लिश नहीं करते हो? यहाँ पे रहने की जगह नहीं है बच्चों की। कल अगर आप शाम को यहाँ पे आए होंगे तो आधे से ज़्यादा जो ORN के जो आबादी है वो रोड पे थी, अपने जो साथी थे उनके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे थे वो लोग। आपने देखा होगा जिस घर पे मतलब कि एक फ्लोर पे 10-10 मतलब 8-8 10-10 बच्चे, और यहाँ पे घर इतने बड़े बड़े हैं भी नहीं, छोटे छोटे फ्लोर्स हैं सबके, और फ्लोर्स कब गिरेंगे कुछ आता पता नहीं है। सिर्फ बात ये हादसे की नहीं है, अभी एक लड़के को करंट लग जाती है पटेल नगर में एक बच्चे को अभी करंट लग जाती है, ठीक है, उससे उसकी मौत हो जाती है, वो भी बच्चा मेंस लिखने वाला था। एक लड़की की न्यूज़ आती है कि राजेंद्र नगर में इतना मेंटल प्रेशर उस पर बना कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया फांसी लगा करके। एक एक कमरे के अंदर 4-4 फ्लोर बना रखे हैं,
और 10-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं किराया। अगर पानी की मोटर ख़राब हो जाए तो भाई साहब आप ठीक करा लो, हम नहीं करा सकते, हम पैसे आपके रेंट में से काट लेंगे। ये क्या मतलब है? अब हम पढ़ाई चार्ज आप दो, क्लीनिंग वाले को अब हम पढ़ाई करेंगे कि बनाने वाले को आप दो, गैस वाले को आप पैसे दो, बस हमने आपको एक कमरा दे रखा है, बेड दे रखा है, कबर्ड दे रखा है, बस यही है कि आपने मतलब कि रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो कोई और ऑप्शन देख लो, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो रूम ओनर्स से उनकी मनमानी चल रही है, यहाँ पे चलती है मनमानी, कुछ भी नहीं आप लोग कह रहे हैं उनकी वो चल रही है। 50-50 हज़ार में, 3 BHK 50-50 हज़ार में दे रहे हैं ये मैट्रेस करते हैं सर 50 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार में चढ़ा हुआ एक फ्लोर जिसमें चार कमरे हैं, चार कमरे में दो लड़कियाँ हो गई, दो लड़के हो गए, हो गई कोई बिजली चला गया, कुछ चला गया, सर तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही करो सब कुछ, हम नहीं करेंगे, हम रेंट में से काट लेंगे। अब सोचने वाली बात है किस प्रकार से यहाँ पर लूट मची है, देखिए किस प्रकार से कहीं ना कहीं मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, कहीं से भी इन लोगों को रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। पैसे चाहिए होते ना 3 BHK के 50-50 हज़ार रुपये चाहिए होते, वो लोग कहाँ है, आज क्यों नहीं है स्टूडेंट के साथ में? हमेशा तो कहते हैं कि बेटा आपको घर की हम याद आने नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, हम यहाँ पे हैं, कहाँ है वो, यहाँ पे तो सिर्फ स्टूडेंट ही है, उनको भी तो आना चाहिए ना, उनको भी तो स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देना चाहिए ना न्याय के लिए। आप इतने हो कि पैसे से आपको मतलब है, आप बच्चों को मतलब कि प्रोत्साहन देने तक नहीं आ रहे हो, इतने मनी माइंडेड आप हो गए हो। आप लोग क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले, ठीक है, जो ये बेसमेंट की जितनी लाइब्रेरी है सबसे पहले तो ये बंद हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, ये जो वायरस जो झूल रहे हैं वो देखो, वो दिखाओ आप अपने कैमरे में, तो हम दिखा देंगे, दिखा दीजिए, घुमा दिखा दीजिए, हालत देखो, कोई झूल के मर जाएगा, पेड़ से लटके हुए हैं सारे के सारे वायर्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मान लो कि वायर गिर गया किसी बच्चे के ऊपर में क्या होगा, नॉट सिर्फ बच्चे पे, जो भी आ जा रहा है आम आदमी पे, ब्लॉकेज हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम इतना घटिया है यहाँ का, सेफ्टी के नाम पे बस करते क्या है, रात के 10 बजे बैरिकेड्स लगा देते हैं, पुलिस वाले रख देते हैं, पुलिस वाले हमेशा यहाँ पे खड़े रहते हैं ना, सुबह शाम यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, मुझे ये बताया जो लड़कों को इनको रोकने के लिए, सिर्फ लड़कों को रोकने के लिए, लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, चालान काटो, लड़कों को रोकने के लिए क्यों? बस खर्चा पानी लेने के लिए, कागज आप कहाँ से लें? इट्स अ रियलिटी, इट्स अ डार्क रियलिटी ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हें लगता है कहने कहीं यहाँ पर जो विद्यार्थी लोग हैं जो IAS की तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है कहने कि सभी पैसे वाले हैं और ये लूट लो जितना लूटना चाहो, है ना, ऐसा कुछ है क्या? मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, ठीक है, मेरे फादर CRPF में है, पुलवामा में पोस्टेड है, ठीक है, मुझे पता है ना कि मेरे पेरेंट्स कैसे मुझे फीड कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे दे रहे हैं, महीने का खर्चा यहाँ पे 20,000 से नीचे का आता ही नहीं है, हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ आपकी सब्जी मंडी में 20 रुपये में मिलती है ना यहाँ पे आते आते 80 रुपये हो जाती है, जो चावल बाकी आप नॉर्मल मार्केट से खरीदते हो ना 40 रुपये 50 रुपये के जी, यहाँ आते आते 110-120 हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट हब है, यहाँ पे बच्चा पैसा देगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो IAS बनने आया है तो उसको सस्टेन करना ही करना है, ये यहाँ की मजबूरी है। आज हमारा पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, कहाँ है हमारे PM, कहाँ है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, कहाँ है, चलो नीट का पेपर में तो जो करा, एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है, हमारे MCD वाले कहाँ हैं, हमारे MCD वाले कहाँ हैं, हमारे वो नेता कहाँ है जो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट करते थे, कहाँ है, क्यों अभी तक हमें कुछ भी नया नहीं मिला, हम यहाँ पे परसों रात से यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमें बस जस्टिस दे दो, प्लस अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्यों? क्योंकि पेटी पेटी जा चुकी होगी अभी तक तो उनके पास में, इट्स अ डार्क रियलिटी और ये है। ये थी यहाँ की काली सच जिसे आपको जानना चाहिए था। IAS IPS बनने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली पहुँचते हैं, करोलबाग पहुँचते हैं, राजेंद्र नगर पहुँचते हैं और यहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है सुविधा के नाम पर वो आपके सामने है। इन्होंने काला चिट्ठा खोल के रख दिया है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यही पर इजाज़त। नमस्कार।